नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी बैंक में अकाउंट है और आप एटीएम यूज करते हैं, यानी एटीएम कार्ड यूज करते हैं जिसको हम डेबिट कार्ड कहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एटीएम यूज करते वक्त आपको कई बार कुछ प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ता है, और एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अगर आपको हो जाए तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है, बैंक आपको 100 रुपए डेली के हिसाब से भुगतान करेगा। तो अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो ये वीडियो आप कंप्लीट देख लीजिए, क्योंकि आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, बहुत अच्छी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और मनी रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट देखते रहना चाहते हैं तो फिनो योगी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपके पास एटीएम कार्ड है और आप एटीएम कार्ड से किसी भी मशीन में गए और आपने वहां से पैसा विड्रॉल करने का ट्राई किया, अब आपके पैसे कट गए लेकिन मशीन से पैसे बाहर नहीं निकले, आपने वहां पे काफी टाइम वेट किया, मशीन का टाइम आउट हो गया लेकिन आपके पैसे नहीं आए, ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो वो चीज मैं आपको बताता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकते हैं। एक तो सपोज एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, आपके पास HDFC बैंक में अकाउंट है और आपका जो ATM कार्ड है वो HDFC बैंक का है, और आप HDFC बैंक के ATM में जाके ये काम करते हैं। और एक दूसरा सिनेरियो है कि आप दूसरे किसी बैंक में जाके करते हैं, SBI में, PNB में, समझ गए? यानी जिस बैंक में आपका अकाउंट है, या तो आप उसी बैंक के ATM पे जाके विड्रॉल करने की ट्राई करते हैं, या आप दूसरे किसी बैंक में जाके विड्रॉल करने की ट्राई करते हैं। दोनों ही कंडीशन में अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि आपका पैसा कट गया लेकिन मशीन से पैसा बाहर नहीं आया, आपने वेट भी किया लेकिन पैसा नहीं आया, तो ऐसी कंडीशन में वो पैसा आएगा कैसे? तो यहाँ पे आपके पास क्या नियम है, क्या अधिकार है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको यहाँ पे 24 आवर यानी कि 24 घंटे वेट करना है। 24 घंटे में क्या होगा, वो पैसा आपके बैंक में वापस आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए 24 घंटे के अंदर भी वो पैसा जो कट गया है आपके बैंक में वापस नहीं आया, मतलब आपको पैसा नहीं मिला, तो जब भी आप ये काम कर रहे होंगे विड्रॉल का, आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, उस रिसिप्ट को आप ले लीजिए। वो रिसिप्ट जो है उसको आपको रखना है, और रिसिप्ट को रखने के बाद आपको जाना है अपने बैंक में। कौन से बैंक में, समझाता हूँ। दोनों ही कंडीशन में मान लीजिए आपका सपोज HDFC में अकाउंट है और HDFC के ATM से ऐसा हुआ है, तो भी आपको अपने HDFC बैंक में जाना है, और अगर किसी दूसरे बैंक के ATM के साथ ऐसा हुआ है तो भी आपको अपने ही बैंक में जाना है, अपनी शाखा में जाना है, और वहां पे मैनेजर से बात करनी है कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, और उसको लिखित में एक एप्लीकेशन देनी है। वो आपको एक एप्लीकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा कि मेरे साथ इस टाइम पे इस डेट को इस ATM से ऐसा हुआ था, मैंने इतना पैसा विड्रॉल किया लेकिन पैसा मुझे नहीं मिला, और अब 24 आवर हो गए, मेरा पैसा अभी तक मेरे बैंक में वापस नहीं आया, ये रिसिप्ट का नंबर है, ये है वो है। अगर वो चाहे तो आप रिसिप्ट की फोटोकॉपी भी उसे प्रोवाइड कर सकते हैं, रिसिप्ट आपको अपने पास ही रखनी है। अब ये जो बैंक मैनेजर है, ये 72 घंटे का टाइम लेगा आपका ये प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने का। देखिए, अगर मान लीजिए उसकी खुद की बैंक से ही हुआ है तो शायद जल्दी सॉल्यूशन मिल जाए, लेकिन अगर किसी दूसरी बैंक के ATM से हुआ है तो भी वो आपकी मदद करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको 7 दिन हो गए, आपने एप्लीकेशन भी दे दिया और 7 डेज तक भी आपका पैसा वापस नहीं आया, तो यहाँ पे आप RBI में कंप्लेन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, वैसे तो कई तरीके, आप उनको वेबसाइट पे जा सकते हैं, मेल कर सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका है एक नंबर है 1-444-0। ये नंबर पे आप कॉल करेंगे तो कॉल अपने आप ही जो है कट जाएगा, यानी कि मिस कॉल ही जाएगी। उसके बाद RBI के द्वारा एक कॉल आपके पास आएगा, और जब वो कॉल आए तो आप उनको बता सकते हैं कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ है, आप जो भी रिसिप्ट है उस पे जो भी डिटेल्स है वो पूछेंगे, सब कुछ आप उनको बता दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो RBI क्या करेगा, वो जो बैंक मैनेजर है उसको जाके एक नोटिस पकड़ाएगा, उससे बात करेगा कि भाई तुम ये प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो। तो अगर उसकी खुद की गलती है तो उस पर कोई पेनल्टी वगैरह लगाई जाएगी उस मैनेजर पे भी, लेकिन अगर उसकी गलती नहीं है, कोई और सिस्टम में कोई तकनीकी खराबी, कुछ भी रीज़न है, अगर मान लो फिर भी एप्लीकेशन देने के 7 डेज तक आपका पैसा वापस नहीं आता है, तो RBI का नियम ये कहता है आपके पास राइट्स है कि बैंक आपको 100 रुपये डेली के हिसाब से पेनल्टी भुगतान करेगा जब तक आपका पैसा वापस ना आ जाए। तो ये जानकारी थी ATM को लेकर, आपके पास क्या राइट्स है उसके बारे में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। इसी तरह का कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।